बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए शादियों में मिलने वाली आलू बुखारे की चटनी लेके आया हूँ। इसमें हम कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करेंगे और इसको आप एक महीने तक सेव भी कर सकते हैं। इतनी लजीज और मज़ेदार जब आप ये मेहमानों को देंगे, एक दफ़ा वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 3 गिलास लेंगे पानी के और इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन फ्लेम को हाई करके, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब ध्यान से देखिएगा, आलू बुखारा है मेरे पास, ये आपने इसी तरह का लेना है, रेड रेड से कलर का, ठीक है, डार्क या ब्लैक नहीं आपने लेना, इसी तरह का फ्रेश होना चाहिए। तो ये हमारे पास 400 ग्राम, ये आपको हर अच्छे जनरल स्टोर और पंसारी स्टोर और हकीमों से मिल जाता है, बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होता है। ढककर रख देंगे ताकि आहिस्ता से ये पकना शुरू हो जाए। और यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब चीनी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 300 ग्राम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आगे जाके मैं ये भी बताऊँगा कि इसको सेव करने के लिए, लॉन्ग टर्म इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी मज़ीद पकाई करेंगे। एक्चुअली ये दिखने में नरम नरम लगते हैं, लेकिन टाइम ये काफ़ी ले जाते हैं। एक चुटकी सिर्फ नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद नमक, और हाफ चुटकी काला नमक, ठीक है, ये टेस्ट को स्टेबल करने के लिए होते हैं, बहुत अहम चीज़ें दोनों। और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही। और ये हमारे पास जीरा पाउडर, ये इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। 2 दालचीनी के पीस इसमें जाएंगे, ये इसके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देख लें, एक चुटकी में अदरक का पाउडर ले रहा हूँ, इसकी जगह आप थोड़ी सी फ्रेश अदरक भी अंदर ऐड कर सकते हैं, जो बाद में आप निकाल सकते हैं। इसमें काली मिर्च ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल चुटकी चुटकी आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी, वरना आलू बुखारे का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हम पकाई करते जाएंगे और ये देखें, जैसे जैसे आलू बुखारा पानी में शामिल होता जाएगा, जो चाशनी है वो गाढ़ी होती जाएगी, तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। कोई आर्टिफिशियल कलर आपने इसमें ऐड नहीं करना, अक्सर लोग रेड कलर ऐड करते हैं, जो मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बादाम के छिलके उतार के हम इसमें ऐड करेंगे 12 से 15। और एक और अहम चीज़, ये भी आपको पंसारी हकीम से मिल जाएगी, ये होते हैं 4 मग्स, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने के, यही सब नज़र आए, ये बस क्वांटिटी थोड़ी ही होनी चाहिए आपकी इन चीज़ों की, ठीक है। ओवरऑल हमारा जो फोकस है वो आलू बुखारे पे ही होना चाहिए। किसी भी रेसिपी में जो मेन चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी मतलब स्टेबल ही रहनी चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं सिरका, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस जिसमें आपने इसको सेव करना है वो बर्तन गीला नहीं होना चाहिए, फिर ये ख़राब नहीं होता, तकरीबन 15 दिन 1 महीना ये आराम से चल जाता है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपकी प्रेफरेंस पे है, अगर आप कुछ ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं ज़्यादा पकालें, लेकिन आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें, जो जिसने हमारे हाथों में हमारे खानों में चटनी आपके लिए तैयार है, आलू बुखारे की चटनी तैयार है। इमली की चटनी के लिए मेरे चैनल पर जाइए, 3 से 4 दिन पहले मैंने लगाई थी। हर तरह की फ्रेश चटनीज की रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। इसके अलावा बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपीज के लिए, चिकन कढ़ाई रेसिपी के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए, 10 मिनट्स रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।